नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को संजय नगर तालाब सुपेला से लेकर चंद्र मौर्य चौराहे तक कार्रवाई कर अवैध रूप से काबिज दुकानदारों को हटाया गया। नेहरू नगर चौक से डबरा पारा चौक खुर्सी पार तक सर्विस रोड में हुए अतिक्रमण को हटाने नगर निगम द्वारा बुधवार से कार्रवाई आरंभ की गई है। अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। गुरुवार को संजय नगर तालाब सुपेला से लेकर चंद्रा मौर्य चौराहे तक सर्विस रोड के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों के कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के राजस्व अधिकारियों द्वारा कब्जे के हिसाब से दुकानदारों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे। कार्रवाई के दौरान सुपेला थाना और यातायात पुलिस का दल भी मौके पर मौजूद रहा। कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई दस्ते में शामिल कर्मचारियों से वाद विवाद भी किया जाता रहा। वहीं कुछ बड़े कब्जेधारी अपने कब्जों को हटाने तैयार भी नहीं दिखे। इनके कब्जों को नगर निगम की टीम द्वारा हटाया गया। इस दौरान अनेक स्थानों पर वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। अतिक्रमणकारियों से कब्जे को हटाने नगर निगम प्रशासन की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँची थी। अचानक आई टीम को देखकर कब्जेधारियों में हड़कंप की स्थिति बने रही, लेकिन दल में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों ने किसी की नहीं सुनी और कब्जे को लगातार हटाते चले गए। अभियान की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दी। हाँ, ये तो कंटिन्यू है, आज करेंगे, चंद्रा मौर्य तक जाएंगे लोग। और कुछ जो बीच का पोर्शन था आपका संजय नगर तालाब के पास का, उसमें रोड मार्किंग की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। हमारा पंप हाउस वगैरह भी है, और जो मारुति वाले का था तो वो बोल रहा था हमारे पास पेपर है, तो जांच कराया गया तो पता चला कि वो गलत बता रहा है और उस पर कार्रवाई हुई है, उसको तोड़ा गया है। अब ये चंद्रा मौर्य से सर्विस रोड पर ये लोग चल रहे हैं और फिर उसके बाद में 6 तारीख को फिर चालू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो वो लिखित में शिकायत करें, जो अगर इस तरह की बात सामने आएगी तो जो भी ऐसा संरक्षण दिया होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो गलत है वो गलत है। अगर सर्विस रोड है तो सर्विस रोड लोगों के चलने के लिए होना चाहिए, ना कि उस पर कब्जा करने। इतना वैल्यूएशन किया है, वो 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जिनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान और छोटा हो चाहे बड़ा कब्जाधारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कब्जे की जो रूपरेखा उसके अनुसार नगर निगम द्वारा जो है जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा, क्योंकि अभी कल से, हालांकि अभी अभियान बंद रहेगा, आगामी 6 दिसंबर से एक बार फिर से सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अभी कल से हुई आज तक की कार्रवाई में अधिकांश कब्जाधारियों को मौके से खदेड़ा गया। निगम को इससे आर्थिक रूप से लाभ भी पहुँचा है, क्योंकि जो लोगों से किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 5,000 इस तरह की जुर्माने की राशि वसूली गई है। हालांकि नगर निगम द्वारा इसके पूर्व भी सर्विस रोड से अवैध कब्जों को हटाने के लगातार कार्रवाई की जाती रही है, जिसका असर देखने को लगभग नहीं मिला, क्या कहें, कार्रवाई शून्य रही है। अब लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। सर्विस रोड हो चाहे सुपेला संडे मार्केट हो, शहर की अंदरूनी अप्रोच रोड हो, किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। सर्विस रोड के किनारे व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, ना ही वाहनों को पार्क करने की इजाज़त दी जाएगी। अब आगे समय यह बताएगा कि नगर निगम की यह कार्रवाई कितनी सार्थक होती या अन्य पूर्व में की गई कार्रवाई की तरह इस कार्रवाई का भी अंजाम होता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।